सो बच्चों, अगर आप भी होम साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर हाई स्कोर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज की वीडियो है खास सिर्फ आप बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में जिन्हें आप फॉलो करके और उनके ऊपर इंप्लीमेंट करके ला सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर हाई मार्क्स। आज की ये वीडियो ना केवल इंफॉर्मेटिव है बल्कि आप बच्चों के माइंड में जो डाउट चलते रहते हैं उन्हें भी क्लियर करेंगी। तो बच्चों काफी ध्यान से समझना है, आपको हर एक स्टेप्स के बारे में काफी रिसर्च करके बनाए गए हैं सिर्फ आप बच्चों के लिए, ताकि आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में होम साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर हाई स्कोर ला सके। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो बच्चों सबसे पहला ही पॉइंट जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2020 का एंड होने वाला है, लेकिन आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें अभी तक अपने सिलेबस की प्रॉपर जानकारी नहीं है और उन्हें यह भी नहीं पता कि अब की बार जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो किस टाइप का होने वाला है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोरोना वायरस के चक्कर में आपके स्कूल ओपन नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से आपको एक एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आपके स्कूल ओपन होते तो आपको एक अच्छी गाइडलाइंस जरूर मिल जाती। खैर छोड़ो उस बात को। तो देखिए बच्चों, सिलेबस के रिगार्डिंग तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना दी थी कि होम साइंस का जो सिलेबस है अब की बार कैसा होने वाला है वो प्रॉपर मैंने आपको जानकारी दी है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की कि होम साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो अब की बार कैसा होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न साथ ही सैंपल पेपर डिस्कस कर दिया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। बात करते हैं होम साइंस के एग्जाम पैटर्न की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले ये जो टोटल मार्क्स होंगे वो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और 30 मार्क्स जो है वो आके इंटरनली है। कहने का मतलब जो टीचर आपको वाइवा लेती है, प्रोजेक्ट करवाती है, असाइनमेंट कराती है, रिटर्न ओरल टेस्ट होते हैं, उनसे आपके 30 मार्क्स अच्छे आ ही जाते हैं, उनमें से वो मैडम के हाथ में होते हैं। लेकिन थ्योरी एग्जाम जो होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर मोटी मोटी चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि टोटल 36 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ए, बी और सी। सेक्शन ए से आपके टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सारे एमसीक्यू वाले होंगे और एक ही नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी जो होगा वो 15 से 21 का होगा, जिसके अंदर भी एमसीक्यू होंगे लेकिन वो आपको सर्च करके लिखने पड़ेंगे। कहने का मतलब पैसे जाएगा केस स्टडी वाला, उसमें क्या होंगे मल्टीपल क्वेश्चन की चॉइस मिलेगी, आपको टिक करके आसानी से आप कर सकते हो वो वाला भी। लेकिन सेक्शन सी की जब बात आती है तो वो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 27 तक जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन नंबर 2800 और 2900 वो 3 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक वो 4 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 34 से 36 वो होगा आपका 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपके टोटल 70 मार्क्स होते हैं पूरे। और सबसे बड़ी बात, आपको क्वेश्चन के अंदर चॉइस भी देखने को मिलेगी, जैसे कि 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, वो किसी में भी आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन चॉइस आपको 101% जरूर देखने को मिलेगी। और बच्चों एक ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि इसमें लिखा है कि सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल वेयर एवर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे होम साइंस के अंदर, जो आप एग्जाम्पल दोगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए आपके आंसर के साथ, तभी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये तो था हमारा पहला स्टेप। दूसरा है कि आपकी होम साइंस सब्जेक्ट को लेकर जो स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रो टिप दे दूँ, जब हम बात करते हैं प्लानिंग और स्ट्रेटजी की किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है कि आपके माइंड में जो एग्जाम पैटर्न है किसी भी सब्जेक्ट का वो प्रिंट होना चाहिए, काफ़ी क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है ना वो कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा और उसकी जो टाइप्स होगी वो किस किस टाइप की होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात होम साइंस की कर रहे हैं, तो होम साइंस का जो पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का है, 36 क्वेश्चन आने हैं। शुरुआत के जो 21 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर कुछ पैसेज से भी रिलेटेड होंगे, और जो बाकी बचे क्वेश्चन है 22 से लेकर 36 तक वो 2, 3, 4, 5 नंबर के होने वाले हैं। तो इन सबसे क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे इतना पढ़ना है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि होम साइंस के अंदर 28वां और 29वां क्वेश्चन ये सिर्फ 3 मार्क्स से आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये पता रहता है कि मुझे 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाएंगे, तो मुझे फोकस किन किन के ऊपर रखना है आपको अच्छे से ये चीज़ें पता लग जाती है। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्लानिंग करते हो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। और उसके बाद बात आती है उसको एग्जीक्यूट करने की, आगे लेके चलने की, इम्प्लीमेंट करने की। जब तक आप उस प्लानिंग के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो काम आपका पूरा नहीं होगा। अक्सर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि वे प्लानिंग स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी करूँगा, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, आगे तक नहीं लेके जा पाते, जिसके कारण जो उनके एग्जाम में कम मार्क्स आ पाते हैं उसका बड़ा रीजन एक ये भी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, प्लानिंग तो बनानी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरा है कि क्या सर एनसीईआरटी बुक को पढ़ना जरूरी है या फिर नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपके लिए एक बात बता दूँ, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर की, वो सारी बेस्ड होती है एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है वो काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है आप बच्चों के एग्ज़ाम के लिए। तो प्रेफरेंस की बात है तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन आपके लिए एक सहूलियत ये भी है कि आप पहले वीडियो देखें उसके बाद एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड होते हैं, नहीं समझ आ पाते, क्योंकि एक वर्ड्स के चक्कर में पूरा सेंटेंस ही नहीं समझ आ पाता कई बार। तो इसलिए आप वीडियो देखिएगा उसके बाद एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉपर चैप्टर है वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप दूसरों को समझा भी सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छी बात ज़रूर है। चौथा है कि चैनल पर वीडियो की जो सीरीज़ है वो कैसी देखने को मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वह मार्च के मंथ में होता है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब बात आती है कि चैनल पर वीडियो किस टाइप की देखने को मिलेगी, तो आपके ही बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज़ है वो क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊँगा बल्कि उसको करने के तरीके भी बताऊँगा। एज इट इज़ जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जो लिखना होता है वो किस टाइप से लिखना होता है वो आपको प्रॉपर सीरीज़ में देखने को मिलेगा, और ये जो सीरीज़ होगी वो चैप्टर वाइज ही आएगी। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे, चैप्टर की नॉलेज भी आपकी अच्छी बनी रहेगी और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का आपको प्रॉफिट तो होएगा ही, ठीक है। और एक खास बात यह है कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे उसकी अलग सीरीज़ होएगी, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स वाली जो सीरीज होगी वो एक के अंदर होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है वो बच्चों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि सर नोट्स जो है वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, फ्री होंगे या फिर पेड होंगे और हम डाउनलोड कैसे कर सकेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, नोट्स जो होंगे बच्चों वो आपको 101% फ्री मिलेंगे। और ये कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिएगा और ज्वाइन कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सीरीज के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सिर्फ होम साइंस के नहीं सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो सीरीज़ है वो तो मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट की भी प्रोवाइड कराते ही रहूँगा, अभी हमारा पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट चल रहे हैं तो उनका कंटेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर सीरीज देखने को मिलेगी। तो आप बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े हमारे साथ इस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप हमारे साथ मिलकर अपने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सके। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ अवेलेबल मिलेगी, आपके डाउट हो, आपकी कोई क्वारी हो या फिर आपको किसी चीज़ की नीड्स हो तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं। और साथ ही बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जुड़े हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम तैयारी करवाएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम की अलग अलग सब्जेक्ट की और क्वेश्चन आंसर सीरीज से लेकर आपके नोट्स हो गए, आपकी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी होगी, आपको किस तरीके से करना है, वो सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करें और शेयर भी करें, सपोर्ट दिखाएं, लाइक कमेंट शेयर, यही सारी आपके रिवॉर्ड्स हैं हमारे लिए, ताकि हमारा भी एक जो मोटिवेशन है आपके लिए काम करने का वो हमेशा बना रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।